कई बार क्या है ना, धोखा हो जाता है। धोखा में पंजाबी में कहते हैं भुलेखा। और जैसे मुझे ये धोखा था, ये भुलेखा था कि मैंने पनीर लबाबदार बनाया हुआ है, लेकिन आज मुझे हमारी टीम ने बताया कि जब रणवीर बरार पनीर लबाबदार लिखो तो कुछ नहीं आता। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार बनाने के लिए आपको चाहिए, नहीं बताऊँगा, म्यूज़िक देखना पड़ेगा और स्किप करना अलाउड नहीं है। यही मेरा जोक है, इसी को मैं रिपीट करूँगा बार 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 बार। मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। तो ये पनीर लबाबदार बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर। ये भी मेरा जोक है, इसको मैं रिपीट करूंगा बार बार। पनीर के साथ में आपको चाहिए ये प्याज, जो ऑप्शनल है, ठीक है। ये आप ये समझ लीजिए 3 मीडियम 2 बड़े सॉर्ट ऑफ प्याज ले लें आप, ठीक है। बेसिकली ग्रेवी चढ़ा के ना फिर करूँगा बात। बातें करने का तो मन बड़ा कर रहा है, लेकिन जब ग्रेवी पक रही होगी तब क्या करेंगे, तब करेंगे ना बातें। 5-6 गार्लिक ले लिए मैंने, ठीक है, और 1.5 इंच पीस ऑफ जिंजर ले लिया। पनीर लबाबदार में मतलब लबाब आना बहुत ज़रूरी है। लबाब आने के लिए उसमें तेल डालना ज़रूरी है, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में आप बटर क्रीम वगैरह डालेंगे, इसलिए शुरू में ग्रेवी को तेल में पकाएंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, ठीक। हर जगह नहीं ठोकता रणवीर घी, ऐसा नहीं बदनाम कर दिया हुआ, सब ने बदनाम किया हुआ। देखो जी, मैं लौंग ले रहा हूँ, काली मिर्च ले रहा हूँ, ठीक है, 2 छोटी इलायची ले रहा हूँ और तेज पत्ता। देखिए, अदरक को और गार्लिक को मैंने मोटा इसलिए रखा है बिकॉज ये ग्रेवी बड़े लंबे समय तक पकेगी और अपने आप धीरे 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 अदरक लहसुन अपना फ्लेवर छोड़ते रहेंगे। जो भी चीज़ लंबे समय तक पकनी होती है उसमें कट्स हमेशा मोटे होते हैं, चाहे वो मीट हो या वेजिटेबल हो। ये लीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना, कलर नहीं देना। इसको ब्राउन कर दिया तो ग्रेवी ब्राउन हो जाएगी, ग्रेवी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, ग्रेवी जो है वो पिंकिश होनी चाहिए। एक है टमाटर, टमाटर के साथ में आप चाहे तो यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे रंग की कोई और मिर्च डाल सकते हैं। मैं मिक्सचर ऑफ बोथ डालूँगा, जहाँ पर देगी मिर्च डालते हैं वहाँ पर थोड़ी हल्दी डाल देनी चाहिए। हल्दी से क्या ना, देगी मिर्च का कलर जो है वो और उठ के आता है, और कोई मसाला नहीं गया इसके अंदर, हल्का सा हल्दी को पकाना है बस, मिर्च का रंग नहीं ख़राब होना चाहिए। स्मेलिंग सो गुड है जी, ब्यूटिफुल। इसमें गिनती के थोड़े से काजू डालने हैं, जैसे टमाटर कितने थे, 1 टमाटर पे 2 काजू बस, उससे ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो और डाल सकते हैं, बट जो काजू है वो हल्का सा बाइंडिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, थिकनिंग के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए ग्रेवी में, फिर वो काजू ग्रेवी होगी ना, फिर टमाटर ग्रेवी थोड़ी ना रही। सॉल्ट, पानी, अभी जो रोगन का कलर है ना, उससे जो है ग्रेवी के कलर का आइडिया लग जाता है। रोगन अगर सुंदर है तो ग्रेवी सुंदर होगी, है। बाकी और मसाले इसमें भी नहीं डालने, क्योंकि जब हम दूसरा तड़का देंगे इस ग्रेवी को पनीर के साथ, तब फिर वो मज़ेदार मज़ेदार मसाले पड़ेंगे, ठीक है जी, तभी तो इसका लबाव आएगा। देखिए, अब 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं बहुत सारी बातें करूं पनीर लबाबदार के बारे में और आपको पनीर लबाबदार की रेसिपी प्लस इन्फॉर्मेशन मिले, दूसरा मैं इस रेसिपी में आपको पनीर लबाबदार और तवे पे लच्छा पराठा कैसे बनाए दोनों दिखा दूं। क्या चूज़ करेंगे आप, क्या चूज़ करेंगे आप श्वेता, क्या चूज़ करेंगे? दूसरा ऑप्शन जो पीछे एडिटर बैठे हुए हैं उन्होंने चूज़ किया दूसरा ऑप्शन, क्योंकि फिर जब मैं बातें करूंगा तो फिर उनसे वो एडिट नहीं होगा ना, बोलेंगे बोलता बहुत है, तो इसलिए बोला गया है कि पनीर लबाबदार बनाओ साथ में लच्छा पराठा बना दो, बोलो कम, प्लीज़ टॉक लेस, ठीक है। फिर अब ये साइलेंट मूवी बनेगी, अब ये रेसिपी, अगर मैंने कुछ बोल दिया ना अपने आप समझ लेना आप।
वो शेर था ना कि हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यहाँ तो अपने एडिटर ही बोल रहे हैं कम बोला करो। ये मेरा तरीका है बदला लेने का उन सबसे जो नीचे कमेंट में लिखते हैं कम बोला करो, और उस एडिटर से जिसने धोखा दिया आज। उसका नाम कुणाल है, अगर नीचे अपशब्द लिखने हो तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है? बस हो गया यार, मैं नहीं रहता इससे ज़्यादा चुप, मेरी मजबूरी है। जब तक बोलूँगा नहीं तब तक खाना टेस्टी नहीं बनेगा। तो अभी तक क्या हुआ, आटा गूंद लिया, आटा गूंद के थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डालना चाहे तो डाल सकते हो। मैं ऐसे करके जो बोल रहा था उसका मतलब ये था कि वो अजवाइन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फिर ग्रेवी को जितना बारीक पीसना चाहें आप पीस सकते हैं, जितना आप ग्रेवी को पतली रखेंगे उतनी वो बारीक पीसेगी, वरना बाद में छानने में जो है वो ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है ना? देखिए लवाब का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है शुद्ध, मतलब लाइक द अर्क, किसी भी चीज़ का एसेंस है, सारांश जिसे हम बोलते हैं। तो पनीर लवाबदार मतलब इसमें इट्स अ शुद्ध डिश, सारांश वाली डिश है। तो इसलिए ये ग्रेवी छाननी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल तौर में बोलता ना चलने देते यार, क्यों छाननी है, पंजाबी स्टाइल में सब चलता है, लेकिन लवाबदार में वाली ग्रेवी छान ज़रूर लीजिए, वरना वो जो हम लोग शुद्ध सारांश और जो लवाब की बात कर रहे हैं वो आएगी नहीं। सारांश ये उस सारांश के लिए भी है। देखिए हमने जो पनीर लवाबदार सीखा है ना, उसमें शिमला मिर्च और प्याज जरूर जाता है, हमने मतलब लखनऊ वाले पनीर लवाबदार में। ये ताज लखनऊ की रेसिपी है जी, एटलीस्ट हमारे टाइम पे ताज लखनऊ की रेसिपी होती थी। नमक, देगी मिर्च, हल्का सा ऑप्शनल है बट गरम मसाला पाउडर, पनीर। थोड़ा सा तेल। ओके जी, पनीर की बेसिक ग्रेवी हो गई, पनीर मैरिनेट हो गया, अब क्या रह गया? लच्छा पराठा। डो को ढलने के लिए छोड़ना है, वो मैं साइलेंस मोड में था तो इसलिए मैंने बताया नहीं। डो को ढलने के लिए छोड़ना है, हर डो की तरह इसको भी कम से कम 15 मिनट ढलने देना है। तो ये देखिए कितना अपने आप लचीला हो गया, जितना आप चौड़ा फैला सकते हैं फैला लीजिए, गोल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने लगाना है तेल या घी, जो मर्जी लगा लीजिए, देखिए मैंने भी घी लगा लिया। अब इसके ऊपर डालना है थोड़ा सूखा मैदा। सूखे मैदे से क्या होता है, वो जो लेयर्स है ना वो चिपकती नहीं है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो ध्यान से देख लीजिए, जैसे साड़ी प्रोसेस बोलता हूँ मैं इसको, जैसे साड़ी को इकट्ठा करते हैं ना, ये देखिए क्या बोलते हैं उसको, पल्लू, जो भी मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना साड़ी को, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे आप खींचते, मतलब कोशिश करिए ऐसे करें, हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खींचता है डो, खींचते 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 डो को पकड़िए और ये जो अंत का लड़ है उसको ऐसे नीचे फंसा दीजिए, और ये आपका लच्छे का जो पेड़ा है वो रेडी है। गीले मलबल से ढक दिया और अब क्या करेंगे, पनीर लवाबदार को फिनिश करेंगे, तो बीच में रहेगी बात। ये जो हल्की सी ब्राउन गार्लिक है ना, वही लवाबदार का मज़ा है, बट अगर आप बनाना चाहें तो बगैर गार्लिक के भी बना सकते हैं। उस केस में तड़के में थोड़ी हींग डाल दीजिएगा, ठीक है? प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जी, हाँ प्याज टेक्सचर के लिए चाहिए, जूसीनेस निकालनी है प्याज की, इसलिए उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब साइड्स हल्की सी ब्राउन हो जाएं तब। ये गया टमाटर, ये गई हरी मिर्च, आ हा हा
थोड़ा नमक डालते हैं ताकि टमाटर का पानी छूटे। हल्की सी देगी मिर्च, धनिया पाउडर और टिच सी हल्दी। हल्दी क्यों? मिर्च का रंग उठाने के लिए। अब तक तो सब जानते हैं, कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है किसी से। क्योंकि धनिया डाला है इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। और धनिया कब डाला है हमने? धनिया हमने तब डाला है जब टमाटर जो है वो मेल्ट हो गए हैं और उन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि उस घी में धनिया भुन जाए। थोड़ा सा पानी मैंने लास्ट में डाला धनिया भुनने के बाद, ताकि फ्लेवर जो है वो इवन आउट हो जाए। दूसरी गैस मैंने चालू कर ली है, उसमें हम अपने पनीर को टॉस करेंगे। ग्रेवी जो है वो मसाले में गई, अब ये लबाबदार ग्रेवी बन गई है। ठीक है, तो ये तो है रोज़ रोज़ खाने वाली लबाबदार ग्रेवी जो मैंने अभी बनाई है। और एक होती है कभी कभार खाने वाली लबाबदार ग्रेवी, और जो कभी कभार खाने वाली लबाबदार ग्रेवी होती है उसमें ना क्रीम डाल दें या मलाई डाल दें। अब ये हो गई कभी कभार खाई जाने वाली लबाबदार ग्रेवी, जिसका मज़ा बहुत बढ़िया है बहुत मज़े की। इसका दूसरा फायदा क्या है ना, इससे वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची रहती हैं, वेजिटेबल्स को अच्छा टेक्सचर मिलता है। और क्योंकि पनीर के मैरिनेशन में ऑयल था, इसलिए तलते वक्त ऑयल कम डालिए। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए शक्कर, अगर आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शक्कर ही डालनी है। नाइस, ब्यूटिफुल। अच्छा, अगर शिमला मिर्च नहीं है और प्याज आप नहीं खाते तो सिर्फ पनीर भी डाल सकते हैं। लेकिन पनीर को ऐसे ही हल्का सा मैरिनेट करके अगर आप टॉस कर लेंगे ना ऑयल में, तो डिश का जायका जो है वो डबल से ट्रिपल से चार गुना हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए भाई। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इस रेसिपी में मैंने ज़्यादा बात नहीं करी है कि नहीं, कट टू कट मतलब की बात करी। मैंने ये भी नहीं बोला कि अगर आप ये रेसिपी नहीं देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी मर्जी से पनीर लबाबदार बनाएंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, देखिए, दिखाइए, शेयर कीजिए, खाइए, खिलाइए। ठीक है, बता भी दिया और बताया भी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो देखिए भाई, बस मज़े की है। वो देखिए, चमक देखिए उस पर और थिकनेस देखिए, मज़ा आ गया। मेरे को दिल कर रहा है अभी लाओ लच्छा पराठा, अभी बैठ जाओ बस खाना खाने, बाकी होता रहेगा काम। पर अभी लाओ लच्छा पराठा के लिए, अभी बनाओ लच्छा पराठा करना है ना रणवीर बराड़। इसको रखो साइड में। लच्छे पराठे के लिए जी तवा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नमक का घोल बनाता हूँ, नमक और पानी का घोल, ये तवे को स्टिक्की बनाने के लिए। ऐसे नॉन स्टिक बनाने का जुगाड़ होते हैं, स्टिक्की बनाने का जुगाड़ है। अभी पराठे को पहले हाथ से दबा दीजिए, ऐसे धीरे धीरे फैलाइए, सब तरफ से बराबर फैलना चाहिए। अगर हाथ पे भी फैला सकते हैं आप, लेकिन अभी मेरे को तंदूरिया वाला अपना शो ऑफ नहीं करना। अब जो हमने तवा और नमक का पानी लिया है, ऐसे नमक के पानी से तवे पे मारने छींटे। अब ये गैस अब मैंने करी हुई है स्लो। अभी क्योंकि आपने नमक का पानी डाला हुआ है, इसलिए जो आपको धोखा नहीं होगा। अब आप तवे को सकते हैं पलट और धीरे धीरे ऊपर से सेक सकते हैं अपना परौठा। पहले तो इसके अंदर घी कम लगाइएगा ताकि जब आप पलटें तो ये गिरे नहीं। दूसरा दबा लीजिएगा और नीचे से देखिए क्या मज़े का है। और बाकी जिनको घी कम लगता है मेरे जैसों को, बाद में घी डाल सकते हैं ऊपर से। ये देखिए खुल रहा ना एक एक लच्छा। ये देखिए लच्छा ऑन लच्छा ऑन लच्छा ऑन लच्छा। लच्छा निकाल निकाल के खाने का मज़ा है। इसके जो मोनोपोली है ना, वो इसका वो खटमिट पना है। और कच्चा पनीर
लगातार मत डालिए, हल्का सा मसाले लगा के तेल में घुमाया ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। बाकी गॉड इज ग्रेट। वाह भाई वाह, जल्दी जल्दी फोटो खींच लो, ये खा जाऊंगा मैं सारा।